नमस्कार जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, कल भाई एक भाई का कमेंट आया था सतीश यादव नाम से, तो वो पूछ रहे थे भाई अगर चक्की के आरपीएम कम है तो क्या फ़र्क पड़ता है और आरपीएम ज़्यादा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, और चक्की के जो आरपीएम है वो मिनिमम कितने होने चाहिए। तो मैं इसी में सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। और जिन्होंने चक्की पहले लगा रखी है या नहीं लगाना चाहते हैं वो सारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें मैं चक्करों के बारे में, चक्की के आरपीएम के बारे में ही बताने वाला हूँ। टोटल आरपीएम कितने ज़्यादा होने पर क्या फ़र्क पड़ता है चक्की पर, और आरपीएम कम है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वीडियो में बने रहिए। और मोटर का और चक्की की पुली का साइज़ क्या होना चाहिए, ये चक्की सही प्रकार से चले और चक्कर भी अच्छे बने, तो मैं पुली के भी बारे में भी बताऊँगा और कम ज़्यादा चक्कर होने के बारे में भी बताऊँगा क्या फ़र्क पड़ता है, और सही चक्कर के बारे में भी बताऊंगा कि कितने चक्कर चक्की के होने चाहिए, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते लेते हैं आरपीएम की। अगर आरपीएम आपका कम है तो, और आरपीएम आपका कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो आरपीएम आपका कम होता है तो माल निकलने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। मान लो कि आपका एवरेज घंटे में माना कि 200 किलो निकल रहा है, और जब आपके आरपीएम के चक्कर कम हैं तो करीबन वो 130 किलो या 140 किलो ही निकल पाएगा, और उसके बाद भी आटा ज़्यादातर गीला जैसा मालूम पड़ेगा आपको, और हवा भी ढंग से नहीं बन पाएगी। तो इसमें ये काफ़ी वजह रहेंगी आरपीएम कम होने की वजह से, क्योंकि जो हवा है वो भी पूरी तरह से नहीं बन पाएगी जब तक पूरे चक्कर नहीं होंगे। तो कम आरपीएम से ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कम आरपीएम होते हैं तो एकदम माल स्पीड से भी नहीं खींचेगी और जो अपनी हवा भी नहीं बनेगी और आटा गीला गीला जैसा आना लग जाएगा। अगर आपका ज़्यादा आरपीएम है तो ज़्यादा आरपीएम में कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, हमारी जो आटा की क्वालिटी है वो बिगड़ जाएगी, चक्की अच्छी तरह से पीसेगी नहीं, क्योंकि पत्थर इतनी स्पीड से चल रहा होगा, दाना जाएगा वैसे ही जाना जाएगा अंदर, ये थोड़ा ही देर रुकेगा तुरंत निकल जाएगा, हाथों हाथ निकल जाएगा बाहर के लिए, क्योंकि इतनी पत्थर की स्पीड होगी। इसमें करीबन एक क्विंटल में यानी 100 किलो में कम से कम 100 ग्राम तो दाना आ ही जाएगा, आटा कच्चा निकलेगा, भूसी ज़्यादा आएगी आटे में, और आपके जो अपनी बेल्ट या पट्टा लगा हुआ है वो भी जल्दी ख़राब हो जाएंगे ज़्यादा चक्कर पर, और अपने बैरिंग भी ख़राब जल्दी हो जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं ज़्यादा चक्कर से हो जाएंगी। इसलिए चक्कर ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, चक्कर मीडियम होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कितने चक्कर आपको रखने हैं। देखो दोस्तों, आरपीएम के बारे में सभी लोगों की एक अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। आप किसी मिस्त्री से पूछेंगे तो कुछ राय अलग देगा, किसी यूट्यूबर से पूछेंगे तो कुछ राय अलग देगा। तो मैं जो आपको आरपीएम आज बताने वाला हूँ, जो मैं अपने जो आरपीएम चला रहा हूँ वही आरपीएम मैं आपको बताऊँगा। जो आरपीएम मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर माल भी बहुत अच्छा निकल रहा है, चक्की भी बहुत अच्छी चल रही है, हवा भी बहुत अच्छी बना रही है। तो मेरा सालों का अनुभव है इस चक्कर के बारे में, तो ये मैं अपने जो चक्कर हैं वो आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या है सब कुछ, क्योंकि मेरे मीडियम चक्कर हैं, ना ज़्यादा हैं ना कम है, बहुत अच्छा माल खींच रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी जो मोटर है वो 10 HP की है और 960 इसका आरपीएम है, और जो पुली इसमें लगी हुई है वो 7.5 इंची की पुली हुई लगी हुई है, और चक्की पर जो पुली है वो 12 इंची की पुली है। तो मैं आपको बता दूँ 7.5 इंची की पुली है वो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होती है, तो मैंने 7.5 इंची की पुली एक वेल्डर से बनवाई थी, तो उसमें पुली बहुत भारी पुली है, अच्छी पुली है, तो उसके चक्कर 600 इस प्रकार से बनना है। अगर आपकी 20 इंची से अगर कोई छोटी चक्की है जैसे कि 18 इंची या 16 इंची, तो आप उसमें 8-12 आराम से लगा सकते हैं। चक्की पर ध्यान रखें, चक्की पर अगर 20 इंची से बड़ी चक्की है तो आप उसमें 12 इंची से छोटी पुली ना डालें। जब बड़ी चक्की होती है तो दाब ज़्यादा लग के चलती है, तो उसमें क्या होता है पटा, छोटी पुली होती है तो पटा स्लिप लेता है चक्की पर से, तो इसलिए आप छोटी 12 इंची से छोटी पुली ना डालें तो अच्छा रहेगा मेरे अनुभव के साथ में। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जो घंटा पर बास पर हैं उससे आपको नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नया नया कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि ज़्यादा चक्कर से क्या फ़र्क पड़ता है और कम चक्कर से क्या फ़र्क पड़ता है,
और आरपीएम कितने रखने चाहिए वो भी बता दिए हैं। और आपको किसी विषय पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसी के विषय पर मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। तो आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपसे ही कुछ पता चलता है कि मुझे लगता है कि मुझे ऑडिशंस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसी के प्रकार से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे बताएं इस चीज़ के बारे में। वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।